You have brought Pakistan and China together. And this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. Two Hindustan ban rahe hain. Ek ameeron ka Hindustan aur dusra garibon ka Hindustan. 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। आप मेड इन इंडिया मेड इन इंडिया मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो, मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता आज। जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अदानी जी दिखाई देते हैं। एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान, और इन दो हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। आपने अभी देखा होगा, अभी दो स्पीकर्स ने बात की, मगर आपने ये नहीं कहा कि रोजगार ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश में बिहार में रेलवे की नौकरी के लिए वहां पे युवाओं ने क्या किया और क्या हुआ, इसके बारे में आपने नहीं बोला। गरीब हिंदुस्तान के पास आज रोजगार नहीं है। प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बेरोजगारी के बारे में एक शब्द नहीं था, और पूरे हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान का युवा रोजगार ढूंढ रहा है। हर स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह हिंदुस्तान का युवा एक ही चीज मांग रहा है, रोजगार हमें दे दो, और आपकी सरकार नहीं दे पा रही। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। आपने मेक इन इंडिया की बात की, स्टार्टअप इंडिया की बात की, मगर जो रोजगार हमें हमारे युवाओं को मिलना चाहिए वो नहीं मिला, और जो था वो गायब हो गया। और ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को आप भी पहचानते हो। ये दो हिंदुस्तान पैदा कैसे हुए? रोजगार स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री, और जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है उधर बनता है। लाखों करोड़ रुपया आपने उनसे छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को दिलवा दिया। आपने पिछले 7 साल में अनऑर्गेनाइज सेक्टर और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री पर एक के बाद एक आक्रमण किया है। हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, पावर ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अदानी जी दिखाई देते हैं। कोरोना के समय अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं ना, डेल्टा, ओमिक्रॉन, वो डबल ए वेरिएंट है, और वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान के की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर फैल रहा है। द सिंगल बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक गोल ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी हैज बीन टू कीप पाकिस्तान एंड चाइना सेपरेट। दिस इज फंडामेंटल फॉर इंडिया, एंड व्हाट यू हैव डन इज यू हैव ब्रॉट देम टुगेदर। टुडे डू नॉट बी अंडर एनी इल्यूजन, डू नॉट अंडरएस्टिमेट the force that is standing in front of you. Do not underestimate the power that stands in front of us. Do not underestimate it. You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India.